अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। आज की वीडियो में है सोपन तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी 10th एंड इंटरमीडिएट के कई सारे सब्सक्राइबर्स और स्टूडेंट्स हैं। सो बार बार कमेंट करके पूछ रहे, सर हमारे बारे में भी अपडेट दीजिए दीजिए दीजिए। तो फाइनली आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ के साथ हूँ मैं। तो ये है कि गुड न्यूज़ आप लोगों को पास कर दिए, जैसा ये रेगुलर बच्चों को करें। तो अपन उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी नए हजरात हैं, आप सभी से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि वो लोगों को भी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव अपडेट मिल सके। तो जैसा कि क्या था बोले तो कई सारे ऑफिशियल्स ऑफिशियल न्यूज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे। तो आज के न्यूज़पेपर के आर्टिकल में ये आया कि जैसा कि तेलंगाना स्टेट में क्या करे, 10th और इंटर रेगुलर को पास कर देना, वैसे ओपन एंड SSC एंड ओपन इंटरमीडिएट को पास कर देंगे बोल के एक दो दिन में आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगा बोल के था। तो ओपन स्कूल वालों के भी एग्जाम्स कैंसिल कर दिए। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले क्या करे बोले तो आर्टिकल लिखे, जैसा कि लास्ट टाइम स्टूडेंट्स को कैसा पास कर दिए ओपन में, वैसे 10th इंटर को और रेगुलर को क्या बेसिस पे मार्क्स दिए थे, अब वो अलग है, मगर ओपन वालों को क्या बेसिस पे मार्क्स देंगे बोल के ये चीज़ पे डिस्कशन चल रहा था। तो ओपन वालों को लास्ट टाइम क्या कर रहे थे, आपको 45 मिनिमम पर मार्क्स दिए, जैसे कि 45%। तो अभी भी आपको 45% मार्क्स देंगे। और रेगुलर वालों को क्या था बोले तो FA1 दिए थे, और इंटर वालों को क्या करे फर्स्ट ईयर मार्क्स बेसिस पे दिए थे। मगर आप लोगों को तो कुछ भी ऐसा नहीं है, क्यों बोले तो कई सारे जने क्या करते बोले तो इरेगुलर रहते ना, मतलब जॉब प्रमोशन के लिए डिसकंटिन्यू करे सो जने करते ना, तो रेगुलरिटी नहीं रहती ना, तो वो बेसिस पे आपको 45% मार्क्स दिए। तो ये एक बहुत ही गुड न्यूज़ है। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और ज़रा सुबह से थोड़ा बिजी था बोल के वीडियो अब लेट बनाया, इंशाल्लाह अब यहाँ से वीडियोस बनाते रहूँगा। ओके चलिए चलते, अल्लाह हाफिज़।